एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस। आई एम मृत्युंजय कुमार एंड आई एम यू मैथमेटिक्स फैकल्टी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर इंटीजर्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज हम लोग इस लेक्चर में इंटीजर्स का बचा हुआ पार्ट जो है हम लोग आज कवर करेंगे। हम लोग अभी तक नंबर्स लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। आज इंटीजर्स के अंदर इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है आज वो सीखेंगे। बाकी हम लोग का लास्ट का एक छोटा सा पोर्शन था ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन के अंदर, ब्रैकेट्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ ब्रैकेट क्या है और उन टाइप्स के में ऑर्डर क्या होता है सोल्व करने का, वो हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ऑलरेडी ये सब नंबर लाइंस सिंप्लीफिकेशन बोर्डमास ये सब ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या होता है वो समझते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज इट्स नंबरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग द साइन इन टू कंसिडरेशन। मीन्स किसी भी इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स उसका सिर्फ नंबरिकल वैल्यू होता है। आपको उसमें सिर्फ नंबरिकल वैल्यू को कंसीडर करना है, ना कि उसके साइन को। नेगेटिव हो तो फिर भी नेगेटिव को कंसीडर ही नहीं करना है, सिर्फ नंबरिकल वैल्यू। सपोज कि अगर मैंने -3 मैंने लिखा, तो यहाँ अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने बोलेगा तो मुझे सिर्फ नंबरिकल वैल्यू लिखना है। नंबरिकल वैल्यू मीन्स क्या है, 3, तो ओनली 3। साइन का यहाँ कोई यूज ही नहीं है, साइन को हम लोग को कंसीडर करना ही नहीं है। तो -3 का नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, 3। -4 का क्या होगा, 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नंबर लाइन पे आप इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं नंबर लाइन्स पे, तो कैसे समझेंगे। सपोज कि एक नंबर लाइन्स है, इस पे 0 क्या है, रेफरेंस। अब 0 के राइट साइड में जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। 0 के लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कह रहा है नंबरिकल वैल्यू से मतलब है, मीन्स डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो हमेशा डिस्टेंस तो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है। -4 किलोमीटर कोई नहीं ट्रेवल कर सकता है, -5 किलोमीटर ट्रेवल कोई नहीं कर सकता है, -6 किलोमीटर कोई ट्रेवल नहीं कर सकता है, वो 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4th किलोमीटर ट्रेवल। यहाँ क्या है, सिंपल नंबरिकल वैल्यू को देखा जा रहा है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू समझिए सिंपल कि टोटल डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यहाँ क्या है, 0। अगर हमने बात किया -2, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, -2 कहाँ होगा, 0 से कहाँ, 0 से लेकर यहाँ तक, यानी इतना डिस्टेंस जो है -2 है। अभी यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, -2 है। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2। यानी क्या हो रहा है, नेगेटिव जो हो रहा है पॉजिटिव हो जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है। मतलब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबरिकल वैल्यू को कंसीडर करना है, किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू जो -9 9 होगा, 5 का 5 होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाने के लिए सिंबल जो यूज करते हैं, सिंबल जो यूज करते हैं वो 2 वर्टिकल लाइन होता है। मतलब -5 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना होगा तो दो लाइंस के बीच में -5 को डालकर -5 कर देंगे। तो ये जो 2 लाइंस है वर्टिकल लाइंस, यही सिंबल है एब्सोल्यूट वैल्यू का। देयरफॉर इफ ए रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर, सपोज कि ए जो है एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कैसे, 2 लाइंस के बीच में ए को डाल दिया जाएगा। तो ये हो गया एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लिखना है। तो पॉजिटिव का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन नेगेटिव का देखना है कि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। यानी आप किसी नेगेटिव नंबर में, किसी भी नेगेटिव नंबर में अगर आप ये सैम्बल लगा देते हैं, ये तो वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। ये 2 लाइन जो है, इस सैम्बल को हम लोग बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, MODE। ठीक, मोड बोलते हैं। तो
किसी भी नेगेटिव वैल्यू में अगर आप मोड लगा देते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का सैम्बल लगा देते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो आप किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू इजिली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग का छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ था ब्रैकेट्स के अंदर। जब हम लोग बोडमास रूल पढ़े थे तो सबसे पहले था बी फोर ब्रैकेट। क्या था? बी फोर ब्रैकेट। तो हमने उस टाइम बताया था कि ब्रैकेट में भी जो है बहुत सारे टाइप्स हैं, और उन टाइप्स का भी एक ऑर्डर होता है सोल्व करने का। जनरली तो हम लोग का जो बोडमास था, मतलब क्या था ऑर्डर? बी पहले ब्रैकेट करते थे, उसके बाद ऑर्डर करते थे ओ फोर ऑर्डर, फिर डी फोर डिवीजन, फिर एम फोर मल्टीप्लीकेशन, फिर ए फोर एडिशन, आई एस फोर सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर था हम लोग का सिंप्लीफिकेशन के अंदर, बोडमास रूल को फॉलो करते थे। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी टाइप्स हैं, और उन टाइप्स का भी एक ऑर्डर होता है, एक फिक्स्ड रूल है कि इसी ऑर्डर में आप उस ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं, और उसी एक ऑर्डर में ब्रैकेट को आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि कहीं भी हम कोई ब्रैकेट को पुट कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला जो है टाइप समझेंगे कि ब्रैकेट का टाइप्स क्या क्या है। तो देखिए जनरली ब्रैकेट्स का जो है फोर टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? फोर टाइप्स हैं। तो आपको अभी तक क्वेश्चन में, आपके लेवल का क्वेश्चन में जनरली ये तीन ब्रैकेट्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो तीन ब्रैकेट है यही देखने को मिलेगा, आपका ये एंगल ब्रैकेट है नहीं देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा फोकस हम लोग ये तीन ब्रैकेट्स में ही करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट्स आर द सिंबल यूज्ड इन पेयर्स टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर। मीन्स किसी नंबर्स को, किसी ग्रुप को एक साथ करने के लिए एक पेयर में जो यूज करते हैं वो क्या होता है? ब्रैकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रैकेट। तो सबसे पहला ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस, मतलब उसे हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। पहला राउंड ब्रैकेट जिसका सिंबल दो कर्व्ड लाइन होता है, इट मीन्स एक ओपन और दूसरा क्लोज। अगर हमने लिखा 3 + 5 तो ये अभी ओपन है, इसे हम क्लोज कर दिए। तो ये दो राउंड ब्रैकेट, ये पहला राउंड ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट, या उसे हम बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स स्क्वायर जैसा होगा दोनों साइड में, एक ओपन और एक क्लोज। तो फर्स्ट जो है राउंड ब्रैकेट जो कि हमने देखा कर्व्ड दोनों साइड, राउंड ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। थर्ड जो है कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली मीन्स ऐसा, या इसे हम लोग ब्रेसेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेसेज भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट जो है एंगल ब्रैकेट्स जो कि जनरली इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे एंगल ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ना ज्यादा नहीं है, मुझे तीन ही ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ना है, पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट, सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, थर्ड जो सबसे लास्ट है ब्रेसेज या कर्ली ब्रैकेट्स। और वो सोल्व करने का ऑर्डर भी जो होता है यही होता है, सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रैकेट जहां दिखेगा उसके अंदर को ही हम लोग सोल्व करेंगे, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। तो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया रहेगा, आप जनरली देखेंगे क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया रहेगा, ये देखिए सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। तो सबसे पहले राउंड, फिर स्क्वायर, फिर कर्ली। लेकिन क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप, फ्रेम में देखेंगे, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा कर्ली, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद राउंड। देखिए सबसे पहले कर्ली, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद राउंड। और सोल्व कैसे करना है? पहले राउंड, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद कर्ली, यही ऑर्डर है सोल्व करने का। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर समझ में आया होगा ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से दिया जाएगा लेकिन आपको सोल्व यही ऑर्डर में करना होगा। तो हम लोग आज एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर जो एक छोटा सा टॉपिक था और ब्रैकेट्स का बचा हुआ टॉपिक वो हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इंटीजर के ऊपर पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस होगा, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, और बहुत जो कंसेप्ट कन्फ्यूजन होगा वो हम लोग क्लियर करेंगे क्वेश्चन सोल्व करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग वीडियो क्वेश्चन पे तैयार करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी होमवर्क करेंगे।
थैंक यू।